नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अजीत जोगी को सांस लेने में तकलीफ के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भेजा गया है। मंगलवार को अजीत जोगी को एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल में ले जाया गया। जोगी को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। आपको बता दें कि अचानक फेफड़े में पानी भरने के कारण अजीत जोगी को सांस लेने में तकलीफ हुई। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल के संचालक और चिकित्सक संदीप दवे ने बताया कि पिछले सप्ताह निमोनिया की शिकायत के बाद जोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में जोगी की हालत में सुधार भी आया था। दवे ने बताया कि मंगलवार शाम जोगी को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। उनकी हालत स्थिर है तथा बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। जोगी के साथ उनका परिवार मौजूद है। एयरपोर्ट में जो एम्बुलेंस है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस जो आ गई है वो और उस वक्त उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया और उनकी स्थिति अब बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। वेंटिलेटर पर ऑलरेडी हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट सारी चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी हैं। वो पूरी तरह से होश में आ चुके हैं, वो हमें लिख के बात भी करना चाह रहे हैं और बिल्कुल स्थिर हैं इस वक्त। पर मैंने परिवार को वादा किया था कि जिस दिन भी अगर वो वेंटिलेटर पे अगर जाएंगे, अगर हमको उनको ट्यूब डालनी पड़ी तो मैं उनको फिर एयरलिफ्ट करवा दूंगा, क्योंकि हम उनको भेजने में थोड़ा सा इसीलिए डर रहे थे क्योंकि हमको भेजना पड़ता, उस वक्त भेजना पड़ता तो वेंटिलेटर पे भेजना पड़ता, और इस वक्त अब क्योंकि वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं इसलिए अब हमको ऐसा लगता है कि अब उनको थोड़ा सा और बेहतर, क्योंकि उनका डॉक्टर त्रेहान ने ही पहले इलाज किया है इसलिए ही उनको डॉक्टर त्रेहान से मेरी बात खुद बात हुई है। और डॉक्टर त्रेहान से बात करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब उनको थोड़ा सा दिल्ली में भेज के कार्डियक उनका जो कुछ भी वर्कअप है वो बेहतर तरीके से हो जाए। अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो इस स्थिति में है कि मैं उनको इस वक्त वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकता हूँ। पानी घुस गया था, जिसे चिकित्सीय भाषा में पल्मिनरी इडिमा कहते हैं। सही समय पर उनका उपचार हुआ, उनको वेंटिलेटर में रखा गया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर त्रेहन से संपर्क किया गया, वे एयर एम्बुलेंस भेज रहे हैं। दिल्ली से एयर एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में रवाना हो जाएगी। अभी पूरे होश हवास में हैं अजीत जोगी जी, वेंटिलेटर पर हैं और उनको अगले एक दो घंटों में दिल्ली मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। For more information, log on to www.clips.in.